जिससे मैं पार्सल को काटूंगा। तो जल्दी से इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या आया है दोस्तों। तो इसको जल्दी से कट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। आप लोग इंतज़ार ही कर रहे होंगे कि इसमें क्या है, लेकिन आप लोग घबराइए मत, क्योंकि जब तक हम हैं आपको अच्छा अच्छा ब्लॉक मिलता रहेगा और आपको एक्साइटमेंट मिलता रहेगा। तो ये जब खुल ही चुका है दोस्तों और इससे वो निकलने वाला है जो कि ये आया है इसके अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, और आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ उस पार्सल को जो कल आया था, तो वो मैं ब्लॉग के लास्ट में करूँगा। और अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ थोड़ा स्टेशन से मुझे टिकट बनाना है पटना के लिए, पटना जंक्शन, क्योंकि कल नहीं परसों मेरा एग्ज़ाम है वहाँ, तो मुझे जाना है। तो इस कारण से मैं टिकट बनाने के लिए जा रहा हूँ स्टेशन से फॉर्म लेकर आ जाता हूँ, उसके बाद फिर घर में भर दूँगा, फिर जाके जमा करूँगा। और एडमिट कार्ड को भी निकलवाना है, फ़ोटो भी निकलवाना है दोस्तों, बहुत काम है। तो पहले जाते हैं जल्दी से स्टेशन दोस्तों। तो दोस्तों, फाइनली मैं टिकट को लेकर के आ चुका हूँ, फॉर्म को और भर दिया हूँ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे मैं फॉर्म को भरा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये बहरवा से लेके पटना तक जाना है और ये सारा कुछ भर दिया हूँ फॉर्म को, दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों जाते हैं जल्दी से और टिकट लेकर आते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं टिकट लेकर के घर आ चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं टिकट मिल चुका है दोस्तों, लेकिन 88 वेटिंग है, तो इसमें तो नहीं हो पाएगा। और लेकिन दो टिकट कन्फर्म है, तो उसी में बैठ के मम्मी चली जाएगी मेरे साथ। तो दोस्तों पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलूँगा, क्योंकि हालत ख़राब हो गया है। तो दोस्तों फाइनली अभी रात हो रही है और मैं आज का ब्लॉग दिन भर का नहीं बना पाया, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था, काम बहुत था, क्योंकि कल निकलना है दोस्तों हमको पटना के लिए, पटना जाना है, एग्ज़ाम है। इस कारण से दोस्तों आपको तो मैं सुबह का दिखाया था, टिकट उकट बना के आया। तो दोस्तों जल्दी से, मैं अभी रात हो चुका है तो अनबॉक्सिंग भी करना है आप लोगों के लिए, तो मैं जाता हूँ अनबॉक्सिंग करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट वाले रूम पर दोस्तों, और वहाँ जल्दी से सेटअप करता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ अपने रूम पे, जहाँ पर मैं अनबॉक्सिंग करूँगा इस पार्सल का, जो कि कल आया था। कल मैं नहीं कर पाया था क्योंकि कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया था। तो जल्दी से मैं कैमरा को माउंट कर देता हूँ, उसके बाद मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली आपके सामने मैं कैमरा को माउंट कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यही जो पार्सल है जो आया था कल, आप लोग को मैंने दिखाया भी था ब्लॉग में, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ था, मतलब ब्लॉग बहुत ज़्यादा बन चुका था बड़ा सर्कस में, क्योंकि ये सर्कस बहुत ही अच्छा था, तो आपको कुछ भी पॉइंट में छोड़ नहीं सकता था। तो इस कारण से इस ब्लॉग को आज मैं एक रिवील कर रहा हूँ, और दिन भर मैं ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि कल मेरा निकलने का, आप लोग को जैसा कि पता ही है कि मैं पटना जा रहा हूँ, एग्ज़ाम है सुबह मेरी 10:22 में, बहरवा से ट्रेन है, तो इस कारण से मुझे कल जाना है। तो मैं इसे आज अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये मेरा पार्सल है जो कि यहाँ मैं रख देता हूँ, और ये है ब्लेड जिससे मैं पार्सल को काटूँगा। तो जल्दी से इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या आया है दोस्तों। तो इसको जल्दी से कट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। आप लोग इंतज़ार ही कर रहे होंगे कि इसमें क्या है, लेकिन आप लोग घबराइए मत, क्योंकि जब तक हम हैं आपको अच्छा अच्छा ब्लॉक मिलता रहेगा और आपको एक्साइटमेंट मिलता रहेगा। तो ये जब खुल ही चुका है दोस्तों और इससे वो निकलने वाला है जो कि ये आया है इसके अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वही चीज़ है जो मैं हमेशा मंगाता हूँ, सीरम, जो कि 10% निकामाइज फेस सीरम है, जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसका पैकेजिंग पे भी जाएं तो बहुत ही अच्छा है। मैं कैमरा को सामने लाता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से दोस्तों इसको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों फाइनली आप लोग देख सकते हैं ये वाला सीरम में 10% निकम है फेस सीरम, जिसका कॉस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसका कॉस्ट आप लोग देख सकते हैं 249 पड़ता है और बहुत ही अच्छा सीरम है दोस्तों। और ये पार्सल में आप लोग देख सकते हैं अंदर कुछ नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। और मैं इसको खोल के भी आपको दिखाता हूँ कि अंदर में कैसा सामान है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि ये ट्यूब है जिसमें सीरम रहता है, और इसमें एक और कंटेनर दिया हुआ है जो कि गिर गया, ये वाला इससे लगाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा सीरम है दोस्तों, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं जाता हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गर्मी लगता है दोस्तों, तो ऊपर जाता हूँ फिर आप लोग से बात करता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ और बहुत ही अच्छा सीरम है दोस्तों जो आज आया है, अनबॉक्सिंग हुआ है, तो आप लोग भी मंगा सकते हैं। और दोस्तों कल मैं सुबह सुबह निकल रहा हूँ पटना के लिए, तो हो सकता है कि मेरा ब्लॉग आप 4-5 दिन के लिए जा रहा हूँ तो शायद नहीं आ पाए, या हो सकता है आने में देर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। अगर कंडीशन अच्छा रहा तो ब्लॉक आएगा, नहीं तो फिर 4-5 दिन मेरा बंद हो सकता है कल से। कोशिश तो करूँगा कि ब्लॉक आते रहे, रेगुलर रहे जैसे अभी चल रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते, बाहर का कभी मैं बाहर जाकर ब्लॉक नहीं शूट किया हूँ। तो कोशिश तो करूँगा आप लोग के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉक लाने की, और बहुत ही मेहनत करूँगा, क्योंकि आप लोग भी मुझे सपोर्ट दे ही रहे हो, मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे हैं, ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को देखिए और आगे बढ़ाइए दोस्तों। और मैं भी आप लोग के लिए कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ जाऊँ पटना में, तो आपको मैं ब्लॉग में दिखाता रहूँ और आपसे जुड़ा रहूँ। दोस्तों अभी रात लगभग 12 बज चुके हैं और सुबह 7 बजे मुझे ट्रेन पकड़ना है, पाकुड़ से जाना है भड़ुआ, फिर भड़ुआ से पकड़ के पटना जंक्शन जाना है। तो दोस्तों अभी मुझे सोना होगा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पैकिंग वैकिंग सारा हो चुका है, तो कल से नया ब्लॉग बनेगा जो पटना के लिए होगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।